तो गाइस मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हो रेसल इन दी फैक्ट्स। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। भाई रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच कंफर्म हो चुका है रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 के लिए। एंड भाई रॉक और रोमन का मैच हमें भाई नहीं देखने को मिलेगा। एंड भाई रोमन रेंस के संग हमें कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 पे। एंड भाई रॉक का हो चुका है हील टर्न। एंड भाई उन्होंने चांटा मारते हुए नजर आए, भाई स्लैप करते हुए नजर आए भाई कोडी रोड्स को रॉक। तो भाई पूरी तरीके से भाई सारी बातें डिस्कस करने वाले इस वाली वीडियो में कि भाई क्या कुछ हमें देखने को मिला भाई रोमन रेंस रॉक एंड कोडी एंड भाई सेथ रोलिंस के पूरे सेगमेंट में। तो इस वाली वीडियो में हम सारी बातें कवर करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप लोग इस वाली वीडियो को लास्ट तक देखना। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें सेथ रोलिंस आते हुए नजर आते हैं। भाई सेथ रोलिंस वही अपना गाना बजाना करते हुए आते हैं। एंड भाई सेथ रोलिंस आके बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हमें दो बार रॉयल रंबल विनर का स्वागत करना चाहिए। एंड भाई वो कोडी रोड्स को मतलब इंट्रोड्यूस कर ही रहे होते हैं। एंड कोडी रोड्स की जगह भाई हमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होते नजर आता है। एंड रोमन रेंस भाई आते हैं। एंड भाई मतलब कि रोमन रेंस हंसते हैं भाई सेथ रोलिंस को देख के। एंड रोमन रेंस की एंट्री हमें देखने को मिलती है। एंड रोमन रेंस एंड सेथ रोलिंस का थोड़ा सा फेस ऑफ देखने को मिलता है। एंड रोमन रेंस आके बोलते हैं भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे, और ये मतलब उनके जूतों का मजाक उड़ा रहे होते हैं रोमन रेंस। एंड इन दोनों के बीच मतलब थोड़ा बहुत बहस वगैरह होती है। फिर उसके बाद भाई रोमन रेंस एक्नॉलेज वगैरह करने को बोलते हैं क्राउड को एंड एक्नॉलेज करवाते हैं। उसके बाद भाई बोलते हैं कि भाई कोडी रोड्स का मतलब वो जो था मतलब चैलेंज करने का समय वो भाई बीत चुका है, अब जो चूज़ करूँगा वो मैं चूज़ करूँगा, मैं अपना रेसलमेनिया का अपोनेंट चूज़ करते हुए नजर आऊँगा। एंड मैं चूज़ करता हूँ द रॉक को। एंड भाई द रॉक का जैसे भाई नाम लेता हूँ भाई इतनी ज़्यादा क्राउड बू करती है। एंड इतना ज़्यादा रॉकी सक्स एंड वी वॉन्ट कोडी के चैंट लग रहे होते हैं। एंड इसके बाद भाई द रॉक का म्यूज़िक हिट होता है। एंड रॉक भाई आते हैं। एंड भाई रॉक बोलते हैं मतलब जैसे रॉक आते हैं कुछ भी बोलने जाते हैं उससे पहले भाई बू करने लग जाते हैं लोग। एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही थी रॉक को। एंड इसके बाद भाई रॉक और रोमन रेंस मतलब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। इसके बाद ही भाई हमें मतलब रॉक अपना वो फैमिली ट्री वगैरह दिखाने लग जाते हैं कि भाई अपने पर्दा मतलब उनकी जो भी डायनेस्टी है समोअन वाली उसके बारे में बताने लग जाते हैं। स्क्रीन पर मतलब पूरी समोअन ट्री वगैरह दिखा रहे होते हैं, तो वहाँ पर मतलब बातचीत करते हैं। तो उसके बाद रॉक बोलते हैं कि भाई ये मैच सबसे बड़ा मैच होने वाला है रेसलमेनिया की हिस्ट्री का। एंड ये मैच होते हुए नजर आएगा। एंड भाई ये मैच हमें कंफर्म होने वाला ही होता है। वैसे ही भाई मतलब ये दोनों हाथ मिलाए रहे होते हैं रोमन रेंस एंड द रॉक, मतलब गले वाले मिल रहे होते हैं जो भी इनकी सामान डायनेस्टी में होता है, जो भी इनका मतलब परंपरा है, तो ये लोग करते हैं। इतने भाई कोडी रोड्स बोलते हैं होल्ड ऑन। एंड भाई कोडी रोड्स आते हुए नजर आते हैं। एंड कोडी रोड्स बोलते हैं भाई तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब रॉयल रंबल मैंने जीता है एंड मैं यहाँ पे चैलेंज करने आया हूँ, मेरी मतलब मैं चैलेंज करूँगा एंड मैं मेन इवेंट करूँगा रेसलमेनिया को। और फिर यहाँ पे चैलेंज करते हुए नजर आते हैं कोडी रोड्स रोमन रेंस को फॉर द रेसलमेनिया नाइट 2 मेन इवेंट के लिए। तो हमें यहाँ पे चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। एंड भाई यहाँ पे भाई वो रोमन रेंस कोडी रोड्स को बोलते हैं भाई तू पागल हो गया, मतलब कि तू मतलब पागल है क्या थोड़ा सा, मतलब पहले तूने मुझे चैलेंज किया फिर नहीं करा, मतलब ये सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं रोमन रेंस। एंड इसके बाद हमें भाई रोमन रेंस भाई कोडी रोड्स के फादर के बारे में उल्टा सीधा थोड़ा बहुत बोल रहे होते हैं। इतने में भाई कोडी रोड्स भी मतलब कि ये इनके परदादा वगैरह के बारे में बोलने लग जाते हैं रोमन रेंस एंड द रॉक के, कि वो लोग अगर यहाँ होते तो वो तुम लोग पे शेम कर रहे होते। इतने में भाई द रॉक को भाई गुस्सा आता है। भाई द रॉक भाई आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड रॉक फेस टू फेस आते हैं कोडी रोड्स के। एंड रॉक बोलते हैं कोडी रोड्स से देख भाई अगर तू इसकी फैमिली के बारे में बोलेगा तो वो मेरी फैमिली भी है, अगर तू इसके ब्लड के बारे में बोलेगा तो वो मेरी ब्लड है। एंड भाई अगर तू इसके मतलब कि पूर्वजों के बारे में बोलेगा तो भाई तू मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो इतने में भाई कोडी रोड्स को मतलब सामने चांटा मार देते हैं भाई रॉक। एंड भाई यहाँ पे ब्रॉल वगैरह होने ही वाली होती है, बट भाई यहाँ पे एडम पियर्स ट्रिपल एच वगैरह ये सब रोकते हुए नजर आते हैं। एंड भाई सेथ रोलिंस भी खामखा ऊपर चढ़ रहे होते हैं, सेथ रोलिंस भी मतलब ब्रॉल में घुस रहे होते हैं, बट यहाँ पे हमें कुछ ब्रॉल वगैरह देखने को नहीं मिली, बस कोडी रोड्स को चांटा मारते हुए नजर आए यहाँ पे रॉक। एंड भाई फाइनल चीज़ तो ये है कि भाई रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच कन्फर्म हो चुका है नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और रॉक और रोमन रेंस का मैच होगा नहीं होगा या फिर रॉक का क्या फ्यूचर होने वाला है, एंड रॉक मतलब हील टर्न हो चुके हैं तो आगे उनकी क्या डायरेक्शन होने वाली है, तो अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को भाई ये सारा सीन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।